अदिति सिंह के बाद अब उनके विधायक पति अंगद सिंह ने भी कांग्रेस को खरी खरी सुना दी है। नवांशहर से टिकट न मिलने पर अंगद ने निर्दलीय मैदान में उतरने की बात कह दी है। कांग्रेस पार्टी ने उनका टिकट क्योंकि काट दिया है। पति पत्नी पहले साथ थे, अब अलग अलग पार्टियों में। इनके बीच रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं है, लेकिन कांग्रेस इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पाई। कनेक्शन यूपी से पंजाब तक जुड़ा है। अदिति सिंह बीजेपी में क्या आई, कांग्रेस ने पंजाब के नवांशहर से उनके विधायक पति अंगद सिंह का टिकट ही साफ कर दिया। तो आज अगर एक महिला ने अपने लिए कोई उसने अपना कोई फैसला किया, उसको वेलकम करना चाहिए, थोड़ा दिल बड़ा दिखाना चाहिए। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की जो तंग दिली है वो आज लोगों को दिख रही है। प्रियंका से प्रभावित होकर राजनीति में आई थी, रायबरेली से विधायक भी बनी, अब अदिति बीजेपी में है तो पति अंगद नवांशहर से निर्दलीय मैदान में उतरने को तैयार, यानी दोनों की ओर से कांग्रेस को बाय बाय। तो एक ही परिवार के दो लोग अलग अलग जगह का रुख कर चुके हैं, फिर भी आपस में विवाद, और इसके बाद पसोपेश के हालात, इस चुनाव में ऐसे कई उदाहरण दिख रहे हैं। आइए आपको बताते हैं। अदिति सिंह कांग्रेस से बीजेपी में गई तो अंगद टिकट से हाथ धो बैठे। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में गए तो सांसद बेटी बीजेपी में असहज हो चुकी हैं। अपर्णा यादव बीजेपी के साथ गई तो समाजवादी पार्टी उलझन में है। स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह की खींचतान में लखनऊ की सीट तीसरे के हाथ चली गई, तो ये काफी देखने को मिल रहा है। विनय शाह के समाजवादी पार्टी में गए तो बीजेपी ने बेटी रिया शाह के को टिकट दिया, वहां उनका विरोध होने लग गया। ये तमाम खबरें आ रही हैं ऐसी यूपी चुनाव में और पंजाब चुनाव में। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।